एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल NMT टेलर में। मैं हूं आपका दोस्त शमशाद। दोस्तों आज की वीडियो में 35 इंच कमर की पैंट कटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कपड़े को हमने जो है बिछा रखा है कन्नी से कन्नी मिला के। राइट साइड जो है इसका अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा कपड़ा ऊपर की तरफ। इसके बाद सबसे पहले जो है इसका मार्क लगेगा ऊपर सीधे पट्टी से। एक पहले मार्क करेंगे सीधा मार्क, इसके बाद इंची टेप को रखेंगे हम जो मार्क लगाया उससे एक इंच ऊपर निकालते हुए। और पैंट का जो लेंथ है 41.5 इंच तो उसमें मार्क करेंगे। और प्लस इसमें जो है हाथ सिलाई के लिए आप चाहे तो 2.5 इंच रखें, कम से कम 2.5 इंच या 3 इंच तक, तो मैं इसमें 3 इंच रखता हूँ हाथ सिलाई के लिए। इसके बाद जो है अपना इंची टेप को हम नीचे करेंगे। अब मार्क जो हमने किया उस पर रख लेंगे इंची टेप। और आसन है 26 इंच तो इसका लगेगा 10 इंच पे मार्क, 10 इंच पे मार्क लगा लिया। और घुटने का मार्क लगाएंगे 20.5 इंच पे, क्योंकि पैंट ये लंबा है तो 20.5 पे हमने लगाया। अब ये चारों मार्क को सीधे पट्टी से सीधे स्केल से सीधा कर लेते हैं पहले। सीधा करने के बाद जब हमने आसन का मार्क लगाया है किनारी से आधा से 1.25 इंच अंदर एक मार्क करेंगे। यहाँ से सबसे पहले थाई का मार्क लगाते हैं। थाई है 25 इंच तो 25 का हाफ करेंगे 12.5 इंच, 12.5 इंच पे मार्क करेंगे। और एक पीछे मार्क कर लेंगे 1.5 इंच पे। और इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये हो गया हमारा इसका सेंटर का मार्क। अब इस मार्क से जितना भी कन्नी तक हमारा होता है 7 इंच, तो ऊपर भी 7 इंच मार्क लगा लेंगे, घुटने के पास भी लगाएंगे और बॉटम के पास। ये मार्क जो है हमारा लग रहा है सेंटर निकालने के लिए पैंट का। सभी मार्क को भी सीधा कर लिए हमने। इसके बाद अब जो सेंटर से हमने 1.5 इंच पीछे मार्क किया था वहाँ देखेंगे जितना होता है 4.25 इंच, तो 0.5 इंच पीछे करके मार्क कर लेंगे। और यहाँ से कमर का 1/4 रखेंगे। कमर है 36 इंच तो 9 चौका 36 होता है 9 इंच, प्लस इसमें 1 इंच ऐड करेंगे दोनों तरफ सिलाई के लिए मार्जिन आधा आधा इंच। इस मार्क को मिला लेते हैं सीधे पट्टी से और ये हिप और कमर वाले मार्क को मिलाएंगे राउंड स्केल से। इसमें आगे जो डाउन करेंगे 0.25 इंच 3/4, जिसका पेट ज़्यादा थोड़ा निकला रहता है तो 1 इंच 1.25 इंच तक भी करना पड़ता है। पॉकेट लगाएंगे सामने से 2.25 इंच और लंबाई में इस तरह से 7.5 इंच। चैन फ्लाई के पास अच्छे से गुलाई कर लेंगे। जो आसन का मार्क लगाया उससे 2.5 इंच ऊपर एक मार्क कर देते हैं। यहाँ से जो है हमारा चैन अटैच करेंगे ऊपर की साइड में, यहाँ तक हमारा चैन खुलता है। घुटना है 19 इंच, 19 का हाफ करेंगे 9.5 इंच, 9.5 इंच होता है 9.5 पे रखेंगे इस तरह से इंची टेप को। जितना होता है उतना सेंटर रखेंगे सेंटर वाले मार्क पे और मार्क लगा लेंगे 9.5 इंच, 19 का हाफ 9.5। इसके बाद बॉटम है मोहरी यानी इसका 14 इंच, तो 14 का हाफ करेंगे 7 इंच और 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 इंच दोनों साइड में, सेंटर के इस साइड में और इस साइड में 3.5 इंच। बॉटम और घुटने के मार्क को सीधे स्केल से मिलाते हैं पहले दोनों साइड का। यहाँ पे राउंड स्केल नहीं यूज करना है, सीधे मार्क सीधे स्केल यूज करना है।
और थाई और घुटने का मार्क मिलाने के लिए देखिए इस तरह से राउंड वाला पट्टी यूज करेंगे, तो जो नीचे दिख रहा है घुटने के नीचे जो मार्क है ये मार्क भी बिल्कुल मिलना चाहिए इस तरह से अच्छे से। और सेम इसी पट्टी को दूसरे साइड में पलटी करके मार्क जो है कर लेंगे। दोस्तों अब देखिए ये जो है हमारा, अब नीचे बॉटम में दोनों तरफ हल्का हल्का क्रॉस रखेंगे दो सूत। ये जो है फ्रंट पार्ट का इसका मार्किंग पूरा हो चुका है, इसका कटिंग कर लेते हैं। यहाँ जो पॉकेट का मार्क लगा है यहाँ पे कट लगा लेंगे और नीचे भी लगा लेते हैं, और जहाँ पे चैन फ्लाई अटैच होगा वहाँ पे भी छोटा छोटा कट लगा लेते हैं। ये फ्रंट पीस को रखते हैं साइड में, बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है इसको पलटी करना है। वो जो ऊपर कपड़ा है उसको घुमा के पलटी कर देंगे इस तरह से, तो नीचे वाला कपड़ा जो है ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। इसके ऊपर अपना फ्रंट पीस जो है अच्छे से जमा के रखेंगे, नीचे से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी बॉटम की तरफ जो है वो कपड़ा बिल्कुल नहीं नीचे छोड़ना है, बराबर कपड़ा रखेंगे। अभी जो ऊपर वाला आसन का मार्क है इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, सेंटर पे रखेंगे मिला के और आगे की तरफ दो सूत झुकाते हुए मार्क को आगे बढ़ा लेंगे बैक साइड में, बैक पल कपड़े में। घुटना का मार्क सीधा रखेंगे और बॉटम का मार्क भी सीधा रखेंगे। बॉटम में मार्जिन देंगे 1.5 इंच और घुटने में देंगे 1.25 इंच। और थाई में मार्क रखने का सबसे आसान तरीका है, देखिए इसका जो थाई है 25 इंच है, तो आधा इंच इधर सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच इधर दोनों तरफ। अब देखिए कभी भी जो थाई हमारा यहाँ पे नहीं होता है, जब भी थाई होता है नीचे 1.5 से 2 इंच नीचे ही बनता है थाई का नाप, तो यहाँ पे रख लेंगे इंची टेप को इस तरह से, और यहाँ से अपना जो इंची टेप है इसको पलटी करके बैक साइड में बैक वाला जो पल्ला उस पर रखना 25 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए इसमें मार्जिन। तो आप ये बहुत ही आसान तरीका है हमारा लगाने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस तरह से आप नाप के थाई का मार्क लगा सकते हैं। बॉटम में घुटने का मार्क मिलाएंगे उसी तरह से सीधे स्केल से, और थाई और घुटने का जो मार्क है वहाँ पे राउंड स्केल का यूज करेंगे। इसके बाद बैक में उठाएंगे 1.25 इंच, 1.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे बिल्कुल बराबर ही रखना है। इसको जो है मिला लेते हैं थोड़ा बैक, आधा इंच चला जाएगा हमारा बैक का सिलाई के लिए। 35 का 1/4 करेंगे 1.9 इंच प्लस 1 इंच रखेंगे डॉट के लिए, और 2.5 इंच रखेंगे कमर में एक्स्ट्रा कपड़ा कभी लूजिंग करने के लिए। इसके बाद हिप नापेंगे, हिप देखिए जो आसन का मार्क है उसे 3 इंच ऊपर नापते हैं, मैं यहाँ पे एक मार्क कर दे रहा हूँ सीधे स्केल से। जिस तरह से थाई का हमने नाप निकाला था 1/2 इंच दोनों तरफ रखेंगे सिलाई के लिए मार्जिन, और ये 1.5 इंच बन रहा है तो 1.5 इंच को पकड़ के रखेंगे इस तरह से अंगूठे से, और इसका है 41 इंच हिप, तो बनेगा 41 का 1/2 करेंगे 25.5 इंच, तो 25.5 को रखेंगे पीछे वाले मार्क पे, साइड में जो मार्क है वहाँ पे रखेंगे 25.5 इंच पे, 41 का 1/2 करेंगे तो 25.5 होता है। यहाँ मार्क लगा लिए हैं 1.5 पे,
अब ये जो है हमारा बिल्कुल फिक्स है, तो अभी इसमें हम आप मतलब दो सूद से लेके आधा इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन रखें कभी भी, बिल्कुल फिक्स नहीं कटिंग करना है आपको। तो देखिए जो हमने पहले ये एक और मार्क कर देते हैं, अब देखें यहाँ पे हमारा आया था नाप, तो हमने इसे दो इंच दो सूत आगे जो है मार्क किया है। अब इसी मार्क से हमको सिलाई करना है, अच्छे से राउंड कर लेंगे, आगे वाले मार्क पे कटिंग करेंगे और इस पर सिलाई करना है हमें। तो अब ये जो बैक पीस का भी मार्किंग पूरा हो चुका है, इसका कटिंग कर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।